बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती हुई जा रही है। यदि बेरोजगारी को खत्म करना है ना, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मोदी जी है ना ऐसा बम्पू फैलाएंगे ना, अडानी अम्बानी को सब कुछ बेच देंगे। हम यूपी में सिलेंडर लेते 900 का, राजस्थान में इलेक्शन होने में 450 का दूंगा, क्यों दूंगा भैया? सब जगह देना चाहिए, सब जगह दे दो। देखो मेरी बात सुनो, मैं हिंदुस्तान इतनी दुरुस्त हुई है। कानून व्यवस्था मंत्री जी का लड़का 8 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहा है, क्या क्या दुरुस्त हुई है? फिर 4 महीने बाद छूट जा रहा है, बुलडोजर चल जाता है। मोदी जी वहाँ पे अवन और वो सारी चीजें नहीं कराते। क्या नहीं कराते? अवन नहीं कराते और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई। मोदी जी ने ये किया वो किया, मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी ने इंडिया बिछवा दी। हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम ना विदेश तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी वो जैसे युवा है देश के और हम लोग देख रहे हैं, जैसे जिन लोग देख पा रहे हैं वो कभी किसी किसान के पास जा रहे हैं, कभी मजदूर के पास जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, हाल चाल लेने जा रहे हैं। एक प्रजा का जो राजा होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। 24 में क्या लगता है? आगे नहीं देखना चाहते उनको, आगे नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि हमको सरकार बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। क्यों चाहिए बदलाव? इसलिए चाहिए कि हर बार बदलता है, हमेशा किसी का रहा है कभी नहीं रहेगा। मतलब इसलिए चाहिए कि मतलब हमेशा कोई नहीं रहा इसलिए? नहीं, हाँ हमेशा बदलाव चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए, किसी का बराबर। काम काज अच्छा नहीं लगा आपको? काम काज ठीक है, बढ़िया है, लेकिन और भी बढ़िया हो। अगर दूसरा कोई होगा तो और भी बढ़िया होगा। अगर युवा कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो और बढ़िया होगा। कौन है युवा? राहुल गांधी है। राहुल गांधी लगता है कि माहौल बना पाएंगे? तो बिल्कुल बना पाएंगे, मौका तो दीजिए उसे। बनाना पाया जाता वो बन गया था। क्या करे, बन गया था। क्यों, राहुल गांधी नहीं बन चुका? क्या बात कर रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? 0% जीरो पे ताई तो तुम जीरो अंधवक्त हो गया। प्रधानमंत्री राहुल गांधी 9 साल बेमिसाल रहे, फिर भी आप बेमिसाल रहे, फिर भी उतना खास नहीं रहा। अब तो मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री। वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेट आदमी है, अब वो बेहतर चलाएंगे सरकार। मोदी जी नहीं पढ़े हैं पॉलिटिकल एमए से? मोदी पढ़े कि नहीं पढ़े वो सबको पता है, आपको नहीं पता मोदी जी कितने पढ़े हैं? आपको क्या लगता है भाई? भैया हम तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार बिल्कुल खराब सरकार है। मोदी सरकार इसलिए खराब है क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती हुई जा रही है। यदि बेरोजगारी को खत्म करना है ना, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मोदी जी है ना ऐसा बम्पू फैलाएंगे ना, अडानी अम्बानी को सब कुछ बेच देंगे। मैं सही कह रहा हूँ कसम से भाई साहब। क्या राहुल गांधी को ज्यादा सुनते हैं तभी अडानी अम्बानी उन्हीं की तरह आप भी कह रहे हैं? क्या राहुल गांधी को मैं नहीं सुनता? मैं सुनता किसी को नहीं है। मैं सिर्फ़ सिर्फ जो हमारी मान लो बेरोजगारी उसकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि जो मान लो आज लेबर क्लास के लोग है ना वो 12-14 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उससे उनका पेट नहीं पल रहा है। क्योंकि देखो 12 हजार की नौकरी 13 हजार ही करेगा बंदा, 3-4 हजार रुपए रूम के हो गए उसके, ठीक है, उसके बाद 3-4 हजार रुपए हो गए क्या नाम खाने पीने के। जब कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं खाता होगा। मान लो अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएगा इसका? होंगी, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव होगा। कहते डूबते जो डूबता है ना उसे तिनके का सहारा मिल जाए उससे पार हो जाता है। थोड़ी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो जो गरीब है ना, गरीब युवा है ना, उनकी शायद बेरोजगारी। चलो सियासत अपनी जगह हो गई, लेकिन जब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी है सोशल मीडिया पे सियासी बयान दिया जा रहा है, कोई पनौती कह रहा है, कोई जेबकतरा कह रहा है, कोई मूर्खों का सरदार कह रहा है, कैसे देख रहे हैं? हम तो मूर्खों का ही सरदार कहेंगे, मूर्खों का ही सरदार कहेंगे, मूर्खों का सरदार, मूर्खों का सरदार। मोदी जी नहीं, राहुल गांधी के लिए कहा गया था। मेरी बात सुनो, किसी के लिए कहा गया हो मेरी बात सुनो, मैं इतना नहीं देखता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि मोदी जी वहाँ पे अवन और वो सारी चीजें नहीं कराते, क्या नहीं कराते? अवन नहीं कराते और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, मोदी जी ने ये किया वो किया, मुझे तो ये लग रहा है मोदी जी ने इंडिया बिछवा दी। हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम ना विदेश वाले है ना उन्हें दे दिया। क्यों, कोई मैच होता उसमें इंडिया हारती नहीं, उसमें कैसे हार गई? खराब खेले हार गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर में कभी हारता नहीं। अच्छा ये राहुल गांधी जो पनौती राहुल गांधी ने कह दिया वो सही है? अब मुझे ये नहीं पता सही है वो समझे, वो तो राहुल गांधी समझे वो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, हम नहीं बोल सकते, हम क्यों पनौती बोले? अच्छा मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात ना करना और पनौती जेब कतरा। एक बात मैं करता हूँ, हम यूपी में सिलेंडर लेते 900 का, राजस्थान में इलेक्शन होने में 450 का दूंगा, क्यों दूंगा भैया? सब जगह देना चाहिए, सब जगह दे दो। हम देखो मेरी बात सुनो, मैं हिंदुस्तान जब इलेक्शन का टाइम आता है ना,
तब बीजेपी वाले होते हैं ना वो अपने विचार बदल लेते हैं क्योंकि वोट लेने के लिए ठीक है वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे कहा था 15 लाख, ये कहा 15 लाख आएंगे, 15 लाख दो नहीं 2 करोड़ न रोजगार मिले, एक मिनट रुको, न रोजगार मिला कोई, न 15 लाख मिले, न युवाओं की बेरोजगारी खत्म हुई क्योंकि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे संतुष्ट हो जाए। हाँ सिर्फ और सिर्फ हुआ है कुछ काम तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी हुई है। जो गरीब आदमी है कहते हैं गरीबी को खत्म कर दे, मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार है वो गरीबों को ही खत्म कर रही, गरीबी खत्म नहीं कर रही, क्यों गरीबी बढ़ाती जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और रही बची है ना नहीं बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय माहौल बना था उसमें कोरोना काल भी आया, इन्होंने कंट्रोल किया है और चलेगी, और किसी की सरकार होती तो कंट्रोल नहीं होता क्या? कोरोना पूरा वर्ल्ड में आया था पूरा वर्ल्ड में आया था, क्या वहाँ का सरकार नहीं बचाई जनता को, बचाई कि नहीं बचाई? तो यहाँ भी कोई सरकार होता बचाता उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरा गार्जियन है इस देश का, जो करता धरता है मैन है उसको तो जिम्मेदारी बनती है तो वही करेगा। यहाँ मोदी जी थे अच्छा काम किया राइट, लेकिन जहाँ मोदी जी नहीं थे वहाँ का लोग नहीं बचे, वहाँ भी बचे, वह सारे मर गए विदेशों में, क्या लोग मर गए? नहीं मरे ना, देखो अब क्या किया है मोदी सरकार ने, जब कोविड काल था ना, जिस टाइम कोविड काल था ना तब सारी चीजें बंद कर दी, ठेका चालू रहे, क्योंकि ठेका इसलिए चालू रहे क्योंकि लूट दे लोगों को, गरीबों को, भेजो जो गरीब आदमी है ना थर्ड क्वालिटी के लोग है ना वो बेचारे डिप्रेशन में आके दारू पी रहे, तो मैं मोदी सरकार को जानू ये ठेका बंद करा दे जैसे बिहार में करा दिए ना, दारू बंद हो जाएगी तो मेरे देश की जो क्या ना हमारे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि युवा डिप्रेशन में जाके भाई बेरोजगार है तो दारू पी। आपको क्या लगता है भाई किस चीज़ 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी आना चाहिए, राहुल गांधी वो जैसे युवा है देश के और हम लोग देख रहे हैं, जैसे जिन लोग देख पा रहे हैं वो कभी किसी किसान के पास जा रहे हैं, कभी मजदूर के पास जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, हाल चाल लेने जा रहे हैं। एक प्रजा का जो राजा होता है वो ऐसा ही होना चाहिए, अपनी प्रजा को एकदम से ध्यान देना चाहिए जैसे वो ध्यान दे रहे हैं। आपने राहुल गांधी को देखा, मोदी जी को नहीं देखा? मोदी जी क्या कर रहे हैं ये बताइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मैं मेरी बात सुन, हेलो इधर आया, तू आया, मोदी जी एक मिनट, घोटाला कर रहे हैं मोदी जी, अडानी बेरोजगारी, अडानी का कर्जा माफ करा, जी न्यूज के उनके चंद्र क्या नाम था चंद्रशेखर, उनका कर्जा माफ करा, क्या कर रहे हैं सुभाष चंद्र जी का, उनका कर्जा माफ करा, और यहाँ किसान किसान के ऊपर कितने किसान यहाँ बैठे थे बॉर्डर पे, कितने किसान मरे, देख भाई किसान किसान का कोई कर्जा माफ हुआ? मेरी बात सुनो पहलवान, और ये बोले थे ना किसानों के खाते में पैसे तो जा रहे हैं, कुछ नहीं आया भैया, क्या क्या आया किसान? 2000 रुपए आ गए उनसे पेट पल जाएगा क्या? बेरोजगारी, जो किसान की फसल है ना, मेरी बात सुनो, जो किसान की फसल है ना, अरे यार आप ही कह रहे हो, जो किसान की फसल है वो हम सबसे लेके दे रहे हैं, एक मिनट रुको, जो किसानों की फसल है ना उसे मंदा ले लेते हैं, और जब क्या नाम है जब बिक्री हो जाता है उसके बाद महंगाई बढ़ा देते हैं, क्या फायदा है, क्या फायदा? बीजेपी सरकार लुटेरों की, आप कह रहे हैं कि हमसे लेकर पैसा देते हैं, कैसे जन महंगाई बढ़ा के पैसा वसूलते हो? आज इसने महंगाई बढ़ाया, कल महीना दिन चलाया, फिर अगला को रेट बढ़ा दिया, फिर तीसरा को बढ़ा दिया, चौथे को बढ़ा दिया। अभी डीएपी की कीमत बताया अभी कितने? मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 1800 रुपए की बोरी ली ब्लैक में, 1800 की बोरी ली, वो भी 45 की बता रहे हैं, वही 42 किलो आ रही होगी, जो खाद है ना डीएपी उसमें 42 किलो आ रही होगी। मैं किसान हूँ, मुझे पता है, किसानों का दर्द नहीं जानते ये लोग, किसानों का दर्द जानेंगे तब इन्हें पता चलेगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ भाई, जैसे सत्ता परिवर्तन होगा तो मोदी जी के भी कुछ विचार बदलेंगे। ये कहा था बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बिल माफ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मेरे चाचा का ना 6 लाख रुपया आया है, 6 लाख रुपया मैं चोरी से चला रहा, मेरा चल रहा है, वो बेचारे का 6 लाख रुपया आया, आप तो पकड़े जाएंगे। मैं नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, पहले पिछला जो बिल है ना उसे माफ करा देती। ये जो बोल रहे सही बोल रहे, और बोले थे 100 यूनिट, बेंच एक यूनिट, सही बोल रहे, सही बोल रहे। मोदी का, मोदी जी का काम काज नहीं अच्छा लगा? मोदी के जी का भी ठीक है, लेकिन अब जब हमारा काम हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है तो फिर सब चीज नुकसान ही है। क्या सुविधा नहीं है आपका? अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो एक ऐसी जगह, सुविधा ये नहीं है, हमारे नौजवान हर साल ना कम से 50% नौकरी भर्ती होते थे, और आज के टाइम में नौकरी को इतना बेहतर हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे का गला काटने तैयार हो रहे हैं।
किसी को चोरी कर रहा है, किसी को हुआ कर रहे हैं, उसका मैनेजर एक एक के साथ 10-20 केस बना के भेज रहे हैं। क्या है जब उसको नौकरी नहीं मिलने, क्या करेंगे बंदे बताइए? कोई डिग्री कर ले, बता कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है? कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है? एमए बीएड करवा लेते हैं, आप प्राइवेट नौकरी में जाइए। आप लोगों के पास आते हैं अम्मा, आपको क्या लगता है? इतनी कानून प्राइवेट नौकरी में जाइए, बीएड एमएड करके जाना, कितने 10-11 हजार रुपए तनखा मिल रही है? बंदा क्या करेगा? आत्महत्या करेगा? चोरी चोरी करेगा? बताओ सरकार क्या कर रही है? भाई साहब इतनी दुरुस्त हुई है कानून व्यवस्था? मंत्री जी का लड़का 8 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहा है, क्या क्या दुरुस्त हुई है? फिर 4 महीने के बाद छूट गया रहा है, बुलडोजर चल जाता है। 4 महीने 8 किसानों के बाद आप मुझे देख रहे हो ना? यदि आपने डाल लिया ना तो शायद मेरे घर पे भी बुलडोजर नहीं चल जाए। मुझे तो डर लगता है, इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भैया अंधभक्तों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। भाई मुझे मुझे कहीं लूटने ले, मुझे तो ये डर लगता है। युवाओं की सरकार है कहते हैं, क्या युवाओं की सरकार है? उन्हें युवाओं का दर्द ही नहीं पता। बता रहे थे जैसे ही हम आएंगे ना बीजेपी सरकार आएगी, वैसे ही रोजगार बढ़ जाएंगे, सरकारी नौकरियां आएंगी। कहीं आया कुछ आया, कुछ नहीं आया। भैया बेरोजगारी है। मैं तो मोदी जी से यही कहेंगे, जीडी की 26,000 भर्तियां आई है। कहाँ 26,000? एक बात बताओ, करोड़ों आदमी ये 26 करोड़ों लड़के तैयारी कर रहे हैं ना, नहीं और 26,000 से का बताओ तुम, खुश नहीं है 26,000? 26,000 से जो क्या खुड़े खुश है? एक वो भी जीडी की है, बताओ तैयारी की है मैंने, 10-10 साल तैयारी में लगा दी, और वो क्या नाम है, 26,000 की 26,000 भर्ती होने के लिए, उनसे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला भैया।